के मौके पर पीएम ने 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को बड़ी सौगात दी है, जिसके तहत देश के 6 करोड़ से ज्यादा बुजुर्गों को फायदा होगा। देखिए रिपोर्ट। हम सबको पाल पोस कर बड़ा किया, ऐसे बुजुर्गों के लिए अब श्रवण कुमार बनेगा आयुष्मान वय वंदना का। दिवाली से पहले पीएम मोदी ने बुजुर्गों को बड़ी सौगात दी है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्थ कवर लॉन्च किया गया है। सत्तर साल से ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड दिया जाएगा, जिसके तहत उन्हें 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा। ऐसे बुजुर्गों को आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड दिया जाएगा। इस योजना से देश के 6 करोड़ बुजुर्गों को फायदा मिलेगा। इस दौरान पीएम मोदी ने हजारों करोड़ की स्वास्थ्य योजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन भी किया। ये ऐसी योजना है जिसमें आय की कोई पाबंदी नहीं, गरीब हो, मध्यम वर्ग का परिवार हो, उच्च वर्ग का परिवार हो, हर कोई इसका लाभार्थी बन सकता है। धनतेरस के मौके पर बुजुर्गों को स्वास्थ्य गारंटी की योजना देते हुए पीएम मोदी भावुक भी हो गए। मैं दिल्ली के 70 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं और पश्चिम बंगाल के 70 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं, उनसे क्षमा मांगता हूं कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। दिल्ली में जो सरकार है और पश्चिम बंगाल में जो सरकार है, वो इस आयुष्मान योजना से जुड़ नहीं रही है। जिन राज्यों में इस योजना को लागू नहीं किया जा सकता है, वो है दिल्ली और बंगाल। पीएम मोदी ने कहा कि राजनीतिक कारणों से इन दोनों राज्यों में योजना को लागू नहीं किया जा रहा है। पीएम ने इस मौके पर कहा कि पूरी दुनिया ने आयुर्वेद को अपनाया है, केंद्र ने भी स्वास्थ्य नीति के 5 स्तंभ तय किए हैं। सरकार की प्राथमिकता स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है आयुर्वेद दिवस के मौके पर। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर